विकी वीडियो आपके लिए लाए हैं अमरनाथ की अमर कथा कहानी। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। उसी अमर कथा से जुड़ी है ये पौराणिक कथा। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुँचे। नारायण नारायण, प्रणाम माते। आइए देवर्षि नारद, कैसे आना हुआ? माते, मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने आया हूँ, पर महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे तो भ्रमण के लिए गए हैं, कुछ देर में लौटेंगे। देवर्षि नारद माँ पार्वती से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्होंने माँ पार्वती से पूछा, माते क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? अमर कथा? वो कौन सी कथा है? उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। नारायण नारायण माते, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप उनसे इस बारे में पूछना। अच्छा माते, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। पार्वती माता सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती है। प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। ठीक है देवी, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूँगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता। इसके पश्चात शिवजी देवी पार्वती को अमर कथा कहने एक गुफा में ले गए। पुराणों में कहा जाता है शिवजी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमरत्व कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। पर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वो सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूंग गूंग की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली थी। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। अरे देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो फिर यह हुंकार कौन भर रहा था? अचानक महादेव की दृष्टि अमर कथा को सुनते उन कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हमने अनजाने में ही भूल की और हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। प्रभु, इन दोनों का इसमें कोई दोष नहीं, मैं गहरी निद्रा में सो गई थी, मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने ही सही पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके हैं। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वो कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है और तब से ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई, वह इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया।